बिसमीम इस वीडियो में हम मश्क नंबर एक शर्या दो जो कि सफ़ा नंबर ग्यारह पे है उसके सवाल नंबर एक का जुज़ इनशा सात और आठ दोनों इनशाला कर लेंगे तो फ़िलहाल जुज़ नंबर सात उस पर तवज्जो देते हैं उसमें है कि एक अदद दो हिंसों का है जिनका मजमुआ तेरा है यानी कि एक आदत है उसमें दो डिजिट्स हैं, x और वाई ये आद, मिसाल के तौर पे ना, ये दस से लेके तो निन्यानवे तक कोई भी अदद हो सकता है एक्स और वाई अब इस अदद में आप देखेंगे कि ये दहाई वाला दहाई की लोकेशन है यानी कि वो टेन का टेन की लोकेशन है ये अकाई की है यानी कि यूनिट की लोकेशन है तो इस अदद को आप हम इस तरह लिख सकते हैं ना टेन एक्स जमा ठीक है ये हमारा अदद है ठीक है अब उन्होंने इसको मैं अभी ए लिख लेता हूँ उन्होंने ये कहा है कि अगर Uh, एक सॉरी uh, जिनका मजमु तेरह है ठीक है तो एक्स जमा वाई बराबर है तेरह के, ये भी उन्होंने बताया हुआ हिंसों की जगह आपस में बदलने से नया आदत पहले आदत से पैतालीस बदर ज़्यादा हो जाता है अगर आप हिंसों की जगह बदलें तो अदद हमारा क्या हो जाएगा नया अदद क्या होगा हमारा वाई एक्स बन जाएगा जिसका मतलब ये है कि वो टेन वाई जमा एक्स ठीक है ना भाई ये दहाई की लोकेशन है जिसको हम टेन दस ज़रब देते हैं उस आदत को और ये अकाई की उसमें जमा कर सकते हैं ये ऐसी है कि जैसे बत्तीस हो तो उसको आप तीन ज़रब दस जमा दो लिखेंगे ना मैंने यही किया और हम ऐसे सवाल पहले कर भी चुके हैं एग्ज़ाम्पल्स भी किए हैं अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख भी सकते हैं अब ये जो नया आदत है ये पहले की नस्बत कितना ज़्यादा है पैतालीस यानी कि मैं बल्कि पहले ना जो उन्होंने लॉजिक दिया ना वो बताता हूँ उन्होंने ये लिखा है कि नया अदद बराबर है पुराना अदद जमा पैंतालीस के नया वाला अदद पुराने अदद से पैंतालीस ज़्यादा है यानी कि पुराने में अगर पैंतालीस जमा करेंगे तो वो नए के बराबर आ जाएगा तो ये आपकी बड़ी काम की एक चीज़ आ गई एक, एक सी है इसमें आप इनकी कीमतें डाल दें नया आदत क्या है टेन वाई जमा एक्स बराबर है पुराना वाला आदत क्या है टेन एक्स जमा वाई आ, टेन एक्स जमा वाई और ये पैंतालीस ठीक है तो इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं आ, एक्स और वाई लहजा कर लेते हैं एक साइड पे कर लेते हैं और ये जो पैंतालीस और से साइड पर रहने देते हैं तो ये टेन वाई प्लस एक्स इस टेन एक्स को तो लेके जाऊंगा तो मन नेगेटिव टेन एक्स हो जाएगा वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा बराबर है पैंतालीस के तो टेन वाई माइनस वाई ये वाई की है रख में और ये एक्स एक्स की है ये नाइन वाई माइनस नाइन एक्स बराबर है पैंतालीस के आप देख रहे हैं कि ये नाइन है ये नाइन है और ये पैंतालीस है जो कि फ़ोर इंटू नाइन होता नहीं फाइव इंटू नाइन तब नाइन को निकाल के इसको सिंपल भी कर सकते हैं तो मैं इसको ऐसा करता हूँ नाइन कॉमन ले लूँ वाई माइनस एक्स बराबर है पैंतालीस के तो वाई माइनस एक्स बराबर है पैंतालीस बटा नौ के जो कि पाँच है तो वाई माइनस एक्स बराबर है पाँच के अब इसको मैं सी कह लेता हूँ अब हम अगर चाहें इस बी को और सी को दोनों का मिला के हल कर लेना अगर इसको और इसको तुम्हारा तो जवाब आ सकता मैं इसी के नीचे अगर एक्स जमा वाई लिख दूँ बराबर है तेरह के और इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर दूं, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा एक्स सॉरी नहीं मैं गलत हूँ, ये वाई इसको थोड़ा चेंज करके लिखना चाहिए ताकि ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाई माइनस एक्स बराबर है पाँच के आप बी और सी को हम हल करना चाह रहे हैं तो वाई माइनस एक्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना माइनस एक्स जमा वाई बराबर है पाँच के तो इसके साथ मैं बी को लिख देता हूँ इनको मैं जमा कर दूँ जमा करने का लॉजिक ये है कि चूँकि ये मसात बराबर है तो जो चीज़ इसके बाएं तरफ आप जमा करें वो आपको दाएं तरफ भी करनी चाहिए ना तो उस हिसाब से अगर मैं इसकी एक तरफ x या वाई को जमा करता हूँ तो x में वाई तेरह के बराबर है तो दूसरी तरफ इसके मैं तेरह जमा कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा दो वाई बराबर है अठारह के तो वाई बराबर है नौ के जब वाई नौ के बराबर आ गया तो एक्स की कीमत क्या होगी एक्स की कीमत होगी आ, मैं ज़रा डिफरेंशिएट करने के लिए इधर दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ तो बी में डाल दें इसे एक्स जमा नौ बराबर है तेरह के एक्स बराबर है चार के तो हमारा आदत क्या बन गया ये वाला ये चार और ये नौ ये हमारा जवाब आ गया ठीक है तो बहुत ही आसान था आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर इनकी पोजीशन बदली जाए यानी कि 94 लिखा जाए तो 94 जो है वो पहले वाले अदद से 45 ज़्यादा होता है यानी कि इसमें से अगर मैं पैंतालीस निकाल दूँ तो पहले वाले अदद के बराबर आना चाहिए तो 94 में से 45 निकालें तो 49 नहीं ही आता है बराबर है फोटी नाइन के लहाजा ये दुरुस्त है लिहाजा ये जवाब बिल्कुल हमारा दुरुस्त है तो इसके साथ हमारा सवाल नंबर एक पूरा ख़त्म हो गया तो अब हम इन शगली वीडियोज़ में बाकी सवाल इंशाल्लाह हल करेंगे अल्लाह हाफज़